नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पूजा शुक्ला। ये बढ़ते हैं आज के खबर की ओर। महाराष्ट्र में कम होते कोरोना मामलों के बीच मुंबई सटे कल्याण के एक जेल में कई कैदी कोविड पॉजिटिव पाए गए। एएनआई ने जेल अधिकारियों के हवाले से बताया है कि कल्याण के आदरवाड़ी जेल के करीब 20 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी कैदियों को इलाज के लिए थाने सिविल अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। वैसे कोरोना काल के दौरान देश में सबसे ज्यादा प्रभावित हिस्सों में से एक रहे महाराष्ट्र में अब हालात बेहतर हो रहे हैं। कोरोना के मामले राज्य में लगातार कम हो रहे हैं। ऐसे में मुंबई समेत महाराष्ट्र में कोरोना पाबंदियों में ढील दी गई। इस बीच आज महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कोविड टास्क फोर्स की अहम बैठक बुलाई है। इस खबर के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य सरकार कोरोना पाबंदियों में लोगों को और भी रियायत दे सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार इससे पहले रविवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि दिवाली के बाद राज्य में कोरोना पाबंदियों में कुछ और ढील दी जा सकती है। टोपे ने बताया कि ताजा कोरोना मामलों की संख्या पर स्वास्थ्य विभाग और टास्क फोर्स के साथ चर्चा के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा इस पर निर्णय लिया जाएगा। खबर है कि सीएम ठाकरे कोविड टास्क फोर्स के साथ करीब 3 बजे के आसपास सोमवार को बैठक करेंगे। देखिए, कल्याण के नजदीकी थाने में रविवार को कोविड 19 के 182 नए मामले सामने आने के बाद जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,63,381 हो गई है। एक अधिकारी ने सोमवार को ये जानकारी दी। एक और व्यक्ति की संक्रमण से मौत के बाद जिले में मृतक संख्या बढ़कर 11,459 हो गई। जिले में कोविड 19 से मृत्यु दर 2.03% है। इस बीच एक अन्य अधिकारी ने बताया कि पड़ोस के पालघर जिले में कोविड 19 के मामले बढ़कर 1,37,459 हो गए हैं और मृतक संख्या 3,269 है। तो ये थी आज की खबर। इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।